अच्छा तो दोस्तों, अभी मैं फेसबुक चेक करने वाला था कि मुझे बहुत से यूजर के प्रोफाइल पे लाइक का ऑप्शन मिला। यानी जब मैंने उसके प्रोफाइल को विजिट किया तो वहां पे मुझे ऑप्शन मिला कि दिस प्रोफाइल इज लाइक। तो ये लाइक का क्या मतलब है और आप लोग इसको क्यों अपने प्रोफाइल पे लगा सकते हैं? जब भी आप लोग अपने फेसबुक प्रोफाइल पे लाइक वाला ऑप्शन यूज करवा सकते, कोई भी बंदा जो पब्लिक में आपका कोई भी पोस्ट हो, ना आपके प्रोफाइल फोटो को देख सकते हैं फुल साइज में, ना आपका कवर फोटो देख सकता है फुल साइज में, जस्ट उसको आपका प्रोफाइल शो होगा और आप लोगों का जो ऐड फ्रेंड रिक्वेस्ट का बटन है, यानी ऐड फ्रेंड का बटन है, जस्ट आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ना आपका कोई फोटो चेक करवा सकते, ना आपका कोई वीडियोस और ना आपका कोई भी पोस्ट। हाँ, जो बंदे आपके पास ऐड हो यानी आपके फ्रेंड लिस्ट पे ऐड हो, वो आपके सारे चीजें देख सकते, उसके लिए विजिबल है। फिर भी अगर आप लोगों को नहीं पता कि हम किस तरह अपने फेसबुक प्रोफाइल पे ये वाला चीज लगा सकते और इसका हमें क्या फायदा हुआ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आप लोग अपने फेसबुक प्रोफाइल पे लॉक वाला ऑप्शन यूज करते तो वहां पे आपके जो पोस्ट होते हैं पब्लिकली, ना आपका कोई भी आपका फोटो देख सकता है, ना आपका कोई वीडियोज, ना आपका कोई पोस्ट, ना आपका कोई भी डीपी जिसको हम प्रोफाइल फोटो बोलते, ना कोई आपका कवर फोटो चेक करवा सकते, जस्ट आपके फ्रेंड लिस्ट वाले लोग आपके प्रोफाइल पे सारे चीजें देख सकते हैं। आप में से बहुत से यूजर को इस फीचर के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन आप में से बहुत से यूजर को जहन में ये क्वेश्चन आया होगा कि आया हम अपने प्रोफाइल पे ये वाला लॉक वाला ऑप्शन किस तरह यूज करवा सकते हैं। अगर आप लोग को नहीं पता कि हम किस तरह अपने फेसबुक प्रोफाइल को लॉक करवा सकते हैं तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो ये बताने वाला हूँ कि आप लोगों ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पे लॉक किस तरह लगानी है। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल साइम स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस पे रोजाना के बेसिस पे मुख्तलिफ किस्म के कंटेंट डालता हूँ जो कि आप लोग के लिए काफी फायदेमंद होते। तो मजीद टाइम गुजारे के बगैर चले मोबाइल के स्क्रीन पे जाते और वहां पे आप लोग को दिखाता हूँ कि आप लोगों ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पे लॉक वाला ऑप्शन किस तरह यूज करवानी है। तो मुझे कहते हैं मोहम्मद अफजल और आप देख रहे हैं साइम स्टूडियो। दोस्तों, जैसे अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना फेसबुक ऐप ओपन करवा के इस पे अपना अकाउंट लॉगिन करूँगा और जैसे ही मेरे पास मेरा अकाउंट लॉगिन हो तो यहाँ पे आप लोगों को टॉप राइट कॉर्नर पे मैसेंजर के आइकान के नीचे आपका प्रोफाइल फोटो मिलेगा, आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने अपने नाम पर क्लिक करना है यानी अपने प्रोफाइल पर जाना है और जैसे ही आप लोग अपने प्रोफाइल पर आते यहाँ पर आप लोग को कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐड प्रो ऐड टू स्टोरी एडिट प्रोफाइल और इसके राइट साइड पे थ्री डॉटेड मिलेगी, आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को व्यू इसके नीचे लॉक प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, आप लोगों ने लॉक प्रोफाइल पर क्लिक करना है। अब जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, जैसे मैंने स्टार्ट पर बता दिया कि जैसे आप लोग अपना प्रोफाइल फोटो लॉक करेंगे तो आपका जो फोटोज पोस्ट है या स्टोरीज वगैरह आपके प्रोफाइल पे जस्ट आपके फ्रेंड देख सकते हैं। इसी के साथ साथ आपका कवर फोटो या प्रोफाइल फोटो जिसको हम डीपी बोलते हैं, ये जस्ट आपके फ्रेंड देख सकते हैं जो आपके साथ ऐड हो फेसबुक पे। पीपल विल स्टिल बी एबल टू सर्च फॉर यू एंड सेंड यू फ्रेंड रिक्वेस्ट। जब भी आप लोग अपना प्रोफाइल लॉक करवाते इसके बावजूद भी लोग आपको सर्च करवा सकते, आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते, लेकिन आपके प्रोफाइल पर बाकी डिटेल पर कुछ भी नहीं देख सकते। नीचे आप लोग को लॉक योर प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है और अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यू लॉक योर प्रोफाइल, ऑनली योर फ्रेंड कैन सी द फोटोज पोस्ट एंड स्टोरी ऑन योर प्रोफाइल। ओके पे क्लिक कीजिए और अब आपका प्रोफाइल यहाँ पे लॉक हो चुका है। अब जैसे ही आप लोग इस एप्लीकेशन को क्लोज करवाते और कुछ टाइम बाद इसको दोबारा पे रीओपन करवा लेते तो यहाँ पे आप लोग को और भी चीज़ें नीचे यहाँ पे मिल जाएगी, जैसे कि मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। इसको मैं क्लोज करवा देता हूँ। दोबारा पे मैंने रीओपन करवाया और अब जैसे ही मैं अपने प्रोफाइल पे दोबारा पे जाता हूँ, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते कि यू लॉक योर प्रोफाइल। अब आप लोगों को ऐड टू स्टोरी एडिट प्रोफाइल के नीचे अब यू लॉक योर प्रोफाइल का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग आसानी के साथ अपना प्रोफाइल फोटो लॉक करवा सकते हैं और फिर अगर आप लोग चाहे इसको अनलॉक भी करवा सकते हैं।
तो दोस्तों आज के सलूक को ये सिखा दिया कि आप लोगों ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पे लॉक वाला ऑप्शन किस तरह यूज करवानी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो अच्छी तरह समझ में होगा। फिर भी वीडियो के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के शेयर कीजिए। बस आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज और देखते रहिए साइम स्टूडियो को।